सोयाबीन की फसल भी दे सकती है मुनाफा। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल धान और मक्के के अलावा सोयाबीन भी खरीफ की मुख्य फसलों में गिनी जाती है। सोयाबीन से सोया बड़ी, सोया दूध, सोया पनीर आदि कई चीजें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा इससे तेल निकालने का भी काम किया जाता है। अगर सही तरीके से इस फसल की खेती की जाए तो किसान बंपर मुनाफा कमा सकते हैं। सोयाबीन तिलहनी फसलों में गिना जाता है और इसकी खेती देश के कई राज्यों में होती है। विशेषकर मध्य प्रदेश में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। वहाँ के लोग इस फसल को काला सोना भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इस फसल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा सोयाबीन का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। सोयाबीन की बुआई वैसे तो जून में शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी बुआई के लिए सबसे सही समय जुलाई के पहले दो सप्ताह माने जाते हैं। इसकी खेती दोमट भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इस दौरान किसान ध्यान रखे, इसकी खेती के लिए जिस भी खेत का चयन किया जाए उसकी जल निकासी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। सोयाबीन की बुआई मानसून के दौरान की जाती है, ऐसे में फसल को सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। फसल को पकने में 50 से 145 दिन का समय लगता है। फसलों के पकने का अंतराल उसकी बोई हुई किस्मों पर भी निर्भर करता है। जब इसकी पत्तियां पीली हो जाएं, तो समझ लीजिए फसल कटाई के लिए तैयार है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करके आप एक एकड़ से आसानी से 40 से 45 क्विंटल तक का पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। कटाई के बाद किसान को अपना बाजार पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है। औने पौने दामों पर सोयाबीन की फसल बेचने की बजाय तेल समेत इससे अन्य कई तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को बेचने से किसानों को बंपर मुनाफा हासिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।